भूली बिसरी यादों की वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 90s की सुपर गेम्स के बारे में, जो कभी आपकी फेवरेट गेम हुआ करती थी और शायद इसके लिए आपने अपने घर वालों से काफी बार मार भी खाई होगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी भूली बिसरी पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी तो वीडियो देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। शुरुआत करते हैं उस गेम से जो 90s के हर बच्चे ने खेली होगी, जिसका नाम है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा गेम का ये साउंड सुनकर कितना सुकून मिलता है, आइए देखते हैं इस गेम की एक झलक, शायद आपको आपकी बचपन याद आ जाए। क्यों दोस्तों, कुछ याद आया? चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं दूसरा गेम। दूसरे गेम के तो क्या ही कहने, इस गेम का नाम लेते ही आपका मन खुश हो जाएगा। जी हाँ, यह है मुस्तफा, जिसके चक्कर में ना जाने आप कितनी बार मार खाए थे। तो आइए इसका भी थोड़ा मजा लेते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये गेम, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और कौन सा प्लेयर आपका फेवरेट प्लेयर था बताना मत भूलना। और क्या आपने भी कॉइन की जगह पेप्सी के ढक्कन डाले थे, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। बढ़ते हैं आगे की ओर। होवा सुनते ही आप समझ गए होंगे कि मैं किस गेम की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टेकन 3 का, जो 90s के लेजेंड्स के सुपर से भी ऊपर वाला गेम था। 90s के टेकन 3 के आगे आज के पबजी का गेम भी बिल्कुल फीका था। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं होवा होवा वाली ये क्लिप। Round 2 इस गेम को देखकर और इसको खेलकर दिल खुश हो जाता है। तो बताओ दोस्तों, टेकन में आपका कौन सा प्लेयर था जिसके आगे कोई भी टिक नहीं पाता था? दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि कौन सा प्लेयर आपका फेवरेट प्लेयर था। नंबर 4 पे सुपर मारियो। ये गेम तो हर किसी ने खेला होगा, पर क्या आपको पता है ये वो गेम है जो दुनिया में सबसे ज्यादा खेला जाता था? तो क्या आपने भी खेला है ये गेम और कितना स्टेज पार किया था आपने, हमें बताना न भूलें। और तब तक इस वीडियो को देखते हैं, शायद आपको कुछ याद आ जाए।
ये देखिए बैटल सिटी, ये गेम आज भी हमारे बचपन को याद दिला देता है, क्योंकि इस गेम की बात ही कुछ और था, जिसमें हमें एक बर्ड जैसे चीज को सेव करना होता था, क्योंकि उसके मरते ही गेम ओवर हो जाता था, पर जिसमें दो प्लेयर मिलकर खेलते थे। इस गेम को आपने भी खेला होगा, याद नहीं आ रहा तो इस वीडियो को देखो, शायद आपको 90s का बचपन याद आ जाए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये गेम और आपने इस गेम के कितने स्टेज पार किए हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अब बात कर लेते हैं शार्प शूटर की। 90s में पबजी जैसा गेम नहीं था, पर एक ऐसा गेम था जो हर बच्चा खेलता था, और उस गेम के खेलने के बाद वो अपने आप को किसी शूटर से कम नहीं समझता था, जिस गेम का नाम है डग हंटिंग। क्यों कुछ याद आया, टीवी के आगे बंदूक लेकर आप भी खड़े होते थे ना? अगर याद नहीं आता तो इस क्लिप को देख लीजिए, शायद आपको याद आ जाए। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खासकर उन दोस्तों से जिनके साथ आप गेम खेलते थे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। और दोस्तों हम जल्द ही मिलेंगे इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट लेकर। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद।